अब दोस्तों मार्केट के अंदर एक नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है यहाँ पे Kaitly.io। अब ये है एक मीम कॉइन, लेकिन आप लोग ये सोचते हो कि भाई ये यहाँ पे डॉज कॉइन की तरह आगे बढ़ जाएगा, सीबा इनू की तरह आगे बढ़ जाएगा, या यहाँ पे आपको फ्लोकी इनू की तरह एकदम 100x का रिटर्न दे जाएगा। क्या दोस्तों यहाँ पे ये मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो आप इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये 500 टोकन तो एज अ फ्री ऑफ एयर ड्रॉप ही बांट दे रहे हैं और आपको कुछ अमाउंट ऑफ स्टेक करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि भाई हम आपके टोकन्स को बाय बैक भी कर लेंगे। और दोस्तों बहुत सारे अलग अलग जवाब हैं जिसके सवाल हमको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा सेकेंडरी चैनल Techium 2.0 फॉलो नहीं किया है तो यार उसको जाके कर लो फॉलो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको उसका लिंक देखने में मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक चल रही है, अगर एक और स्ट्राइक आ जाती है तो चैनल हो जाएगा यहाँ पर टर्मिनेट। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर रिलेशन नहीं खराब करना चाहता हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप जाके कर लीजिए हमारे चैनल को ज्वाइन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पर आप लोग डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है तो, और वहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट भी देता रहता हूँ। Binance के लॉन्च पूल, अदर अर्निंग सोर्स आपको वहाँ पे देखने में मिलते रहेंगे। लगे हाथ Instagram अकाउंट भी देख लेना, अगर आपको पसंद आता है तो आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हो। बातें बहुत हो गई, लेके चलता है स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। सिंपली फ्रेंड्स अकाउंट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आने वाला है। यहाँ पे देखो आपको सिंपली लॉग इन कर देना है, यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी के साथ पासवर्ड डालना है, हमारा इनविटेशन कोड यूज करना है, उसके बाद डायरेक्टली आप इसके ऊपर लॉग इन कर जाओगे। विदाउट इनविटेशन कोड आप यहाँ से लॉग इन नहीं करने वाले हो, ये भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ना आप लोग के सामने एक इंटरफेस आएगा कि भाई यहाँ पे अपने एयर ड्रॉप को आप क्लेम करो। अब क्लेम करने के लिए प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर मैंने एज अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि मैंने खुद के ही टोकन यहाँ पे जो है वो क्लेम करे थे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सामने से मेरे पास आया कि भाई यहाँ पे आप क्लेम करो अपने टोकन को, और मेरे से बोला कि भाई यहाँ पे BEP20 एड्रेस USDT वाला डाल दो जो आपको Binance में मिलता है। मैं सिंपली चले गया Binance की एप्लीकेशन के अंदर, वॉलेट के अंदर जाके यहाँ पे USDT को डिपॉजिट वाले सेक्शन के अंदर क्लिक करके यहाँ पे BEP20 वाला एड्रेस इसके अंदर से मैंने डाल दिया। अब दोस्तों जैसे ही मैंने ये एड्रेस डाल दिया उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे इन्होंने मेरे वॉलेट के अंदर कुछ अमाउंट भेजा, जो अमाउंट था 0.001 USDT के आसपास। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरे वॉलेट के अंदर वो पहुंचा हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इधर साइड पे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का ये अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर इन्होंने डिपॉजिट किया कि भाई यहाँ पे हमने आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे इन्होंने 0.001387 के आसपास यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। और उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई आपको इस अकाउंट के अंदर, इस वाली Binance पे आईडी के अंदर अमाउंट आपको 0.001 USDT वापस से जो है वो सेंड करना है, जिससे कि हम आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे। अब देखो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने ये वाला अमाउंट डाला और यहाँ पे से देखो प्रॉपर मैंने अमाउंट यहाँ से सेंड कर दिया, ठीक है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फटाफट से मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे से फटाफट से सेंड कर दिया और यहाँ पे से मेरे से बोला कि भाई यहाँ पे आपको डालनी है ऑर्डर आईडी, जो ऑर्डर आईडी मेरे को मिली थी मैं फटाफट से यहाँ पे जो है डाल दी और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लेम योर टोकन के अंदर क्लिक। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लेम योर टोकन के ऊपर क्लिक किया ना तो डायरेक्टली टोकन मेरे पास रिसीव हो गए एज अ एयर ड्रॉप के फॉर्म में। अब मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पे इनकी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से अभी काम कर रही है, ध्यान से देखना। अब दोस्तों यहाँ पे इनकी वेबसाइट के अंदर जो वो टोकन आपने क्लेम करे थे ना वो टोकन एज अ स्टेक के रूप में चले गए हैं, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं टोटल स्टेकिंग अमाउंट के अंदर, जहाँ पे से ये जो स्टेकिंग अमाउंट है एज अ 15 दिन के लिए लगा हुआ है। अब 15 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट के अंदर पहुँच जाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल रिवॉर्ड जो मेरे को मिला है अभी तक 15 टोकन का डेली रिवॉर्ड ये मिलते रहता है, वो आपको जो है वो आपके वॉलेट के अंदर देखने के मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ना आपको डेली रिवॉर्ड्स यहाँ पे देखने मिलने वाले हैं। अभी मैंने यहाँ पे देखो 1 कुछ इतने टोकन एज अ स्टेकिंग रिवॉर्ड्स अर्न कर लिया है और इधर साइड आपको जो है वो आपको वॉलेट के अंदर आपको अमाउंट दिखा दे रहा है कि भाई यहाँ पे 15 टोकन आपके पास अवेलेबल है, बाकी 500 टोकन यहाँ पे लगे हुए हैं आपके स्टेक के अंदर। और दोस्तों मैं आपको कोई एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये एक रैपर एंड अर्न प्रोग्राम है और यहाँ पे इस कॉइन का फ्यूचर में कोई भी यूज केस नहीं है, ये एक मीम कॉइन है। यहाँ पे देखो आपको बताया हुआ है कि भाई अगर यहाँ पे आपने इतने रेफरल किए तो भाई इतना परसेंट लेवल कमीशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसके बदले ये आपको अपने टोकन प्रोवाइड करवा देने वाले हैं। अब ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी हो गई, अब बात आते हैं मेन मुद्दे के अंदर जिससे आप जो है वो थोड़ा सा सीख पाओगे कि ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है लेट्स क्रिएट अ 100x मीम कॉइन टुगेदर, ये बोल रहे हैं कि भाई हम इसको 100x तक लेके जाते हैं जिससे कि आपका भी प्रॉफिट होगा हमारा भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई हमने एक बायबैक स्कीम रखी हुई है जहाँ पे टोकन का प्राइस रखा हुआ है अराउंड लिस्टिंग प्राइस है 0.0006 सेंट के आसपास
और बायबैक प्राइस है यहाँ पे 0.0033 के आसपास, और अभी एक टोकन की कीमत चल रही है यहाँ पे 0.004 सेंट के आसपास। यहाँ पे एक टोकन की कीमत यहाँ पे आपको इतनी देखने की मिल रही है। आप 500 टोकन को आपको जो फ्री में मिल रहे हैं उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे जब टोकन जो है वो लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद अगर आप सेल करते हो मार्केट के अंदर तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो अगर आप अपने ही टोकन वापस हमें बेचना चाहते हो तो हम उसको बायबैक करने के लिए भी रेडी हैं। डायरेक्टली यहाँ पे ये टोकन्स को बायबैक करने के लिए रेडी है, जिसका भाव यहाँ पे आपको दे रखा है 0.00033 USDT के आसपास, जहाँ पे आप इनको टोकन्स को बाय कर सकते हो। और अभी तक इन्होंने कितना रेस्ट कर लिया है खरीद के, यहाँ पे कर लिया है इन्होंने अराउंड 1 stands 100,000 10,000 मतलब यहाँ पे 12 लाख $ इन्होंने अपने अकाउंट के अंदर ले लिए हैं। और यहाँ पे थे इस एक्सचेंज के अंदर पैनकेक स्वैप, बिट फॉरेक्स, हुबी ग्लोबल, gate.io के जैसे कि यहाँ पे अंदर ये लिस्ट होने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई हमारी 100% सिक्योरिटी है, कि भाई KYC वगैरह है, ऑडिट वगैरह हमने टाइम टू टाइम किया हुआ है, साथ ही साथ जो है प्रॉपर बताई हुई है अपनी सप्लाई यहाँ पे बताई हुई है कि भाई यहाँ पे 70% ये प्री सेल ला रहे हैं, पब्लिक सेल ला रहे हैं, बाकी जो है इकोसिस्टम फंड है 10% मार्केटिंग के लिए रख रहे हैं और 50% एक्सचेंज के लिए रख रहे हैं। बाकी रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कैसे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इसकी बात करें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस काम करता है BEP20 के अंदर, मतलब बाइनेंस की स्मार्ट चेन के अंदर ये काम करने वाला है। यहाँ पे आपको बताया हुआ है पूरा का पूरा रोडमैप ये करने के हवाले हैं, जहां पे बताया हुआ है कि भाई यहां पे डेवलपमेंट होगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट पार्टनर होंगे, वेबसाइट लॉन्च की जाएगी जो अभी के फेसेस में इन्हें करी दी है, लॉन्चिंग टोटल टोकन स्टेकिंग के ऊपर वो भी हो गया है। अब यहां पे CEX लिस्टिंग करेंगे, कॉइन मार्केट कैप के अंदर कॉइन गीको के अंदर लिस्टिंग करेंगे, ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी तक इनके कॉइन का कोई भी यूज केस नहीं है। और दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, डॉज कॉइन की अगर मैं बात करूं तो डॉज कॉइन के पीछे था यहाँ पे एलोन मस्क का हाथ, सिबा इनू के पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, बुल रन के अंदर आया था तो अच्छा खासा पंप दे गया, फ्लोकी इनू भी उसी टाइम पे आया था तो आपको अच्छा खासा पंप दे गया, लेकिन इस कॉइन का हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आप अर्न करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है यहाँ पे रेफरल अर्न। जितने ज़्यादा लोग लेके आओगे उतने ज़्यादा जो है वो आपको टोकन मिलेंगे, अगर इनके टोकन मार्केट के अंदर लिस्ट होते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है प्रॉफिट होगा। और बहुत सारे अंधभक्त लोग ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आपको क्या पता है क्रिप्टो के बारे में, कि भाई आपको क्या ही नॉलेज है, मार्केट के अंदर कोई कॉइन कभी भी बूम मार सकता है। भाई मार सकता है डेफिनेटली, लेकिन उसका कोई यूज केस होना चाहिए ना, या उसके पीछे इतना बड़ा कोई हाथ होना चाहिए कि वो ऊपर उठ सके। अब यहाँ पे ये जो वेबसाइट इन्होंने क्रिएट कर रखी है, भाई ये वेबसाइट कोई भी क्रिएट कर देगा, एक वेबसाइट मैं भी क्रिएट कर दूंगा, कल के दिन अपना टोकन लेके आ जाऊंगा THCoin, आप उसको बाय कर लोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू ही नहीं है। मैं आपको 1000 टोकन ही फ्री में बांट दूंगा, 5000 टोकन ही फ्री में बांट दूंगा ना, तब भी यहाँ पे आपके वो बिना यूज केस के टोकन है, जैसे यहाँ पे एपिक नेटवर्क का था, अभी आप लेके चल रहे हो कौन सा टोकन है, बी नेटवर्क को लेके चल रहे हो, पाई को लेके चल रहे हो, पाई के ऊपर भी कोई भी तो यूज केस नहीं है। तो भाई उसी तरीके से यहाँ पे इनका अभी तक टोकन का कोई भी यूज केस नहीं निकला है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं अपनी NFT भी, जहाँ पे देखो द ईयर ऑफ 2050 ह्यूमंस आर द इंडिपेंडेंट स्पीसीज बट ऑल द फलाना फलाना फलाना, ये आपको ये अपनी NFTs प्रोवाइड कर रहे हैं 0.001 इथेरियम के अंदर, लेकिन ये अभी अपकमिंग के अंदर है। एक सिस्टम इन्हें और लिखा है लोटो वाला, जहाँ पे जो है वो आप लोटो के थ्रू अर्न कर सकते हो, मतलब रैंडमली आपका कोई नंबर आ जाएगा, आपको इतने टोकन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको रेफरेंस रिवॉर्ड मिल जाएंगे, आप हमारा इस वाले इन्वाइट कोड को यूज़ करके डेफिनेटली इस प्रोग्राम के अंदर हो सकते हो और 500 टोकन्स का एयर ड्रॉप ले सकते हो। अब आपको लगता है कि भाई मैंने सही बोला गलत बोला, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर देना। मेरा मानना तो यह है कि भाई अगर ये टोकन बढ़ता है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, आपका ही फायदा होगा, मेरा ही फायदा होगा, क्योंकि मैंने भी इसके अंदर साइन अप किया है। अगर यहाँ पे आप यही सोच के चलोगे कि भाई ये टोकन 100x प्रॉफिट दे जाएगा, भाई ये तो बहुत गलत बात है। मार्केट के अंदर ऐसे कितने कॉइन आए, कितने कॉइन चले गए और कितने कॉइन प्रॉफिट दे के गए, वो सबको पता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हम बायबैक कर लेते हैं, हम इनके प्री सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इन टोकन को खरीद लेते हैं। ये कोशिश बिल्कुल मत करना भाई, ये मतलब आप ये समझ लो कि भाई यहाँ पे नंगे पैर चल रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी गलती हो जाएगी, ये बिल्कुल भी मत करना। बाकी वाइट पेपर के अंदर भी आप जब पढ़ते हो तो यहाँ पे इन्होंने वाई सूड डॉज इनका ही एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई डॉज क्यों बढ़ा, बेबी डॉज क्यों बढ़ा, फ्लोकी क्यों बढ़ा, सिबा क्यों बढ़ा, भाई बस यही है, बाकी टोकन का कोई भी यूज केस नहीं है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप पार्टिसिपेट करके इससे अर्न कर सकते हो, अपने दोस्त को रेफर कर सकते हो, उससे बोल सकते हो कि भाई टोकन्स खरीद के टोकन्स को एयर ड्रॉप के थ्रू खरीद के रख सकता है, बाकी यहाँ पे इसे बाइंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
है मेरे एंड से, बाकी आप लोग खुद होशियार हो, आप लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी इशू होती है इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ भी जाके ज्वाइन करके रख लो, और हमारा टैकी होम 2.0 को भी जाके फॉलो कर लो ताकि आप लोग डायरेक्टली मुझसे ना जुड़ पाओ यार, बॉन्डिंग बन पाए, क्योंकि मैं अभी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स शेयर कर रहा हूँ जो आपकी अर्निंग में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो पर एंड करते हैं, धन्यवाद।